हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तेज आवाज नहीं निकाल रही मेरी। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। आज मम्मा करने वाली है मेरी कटिंग और मैं लॉकडाउन से मम्मा से कटिंग कराता आ रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। नाइक यहाँ पे जाता हूँ तो वो अलग सा कुछ बना के भेज देता है, इसलिए मैं यहीं पे करा लेता हूँ। टाइम भी लग जाता है और मम्मा के हाथ की मुझे बहुत ज्यादा पसंद आने लगी है क्योंकि एक जैसी कटिंग रहती है, कुछ बिगड़ता बिगड़ाता नहीं है, लेकिन नाई मेरा जरूर बिगाड़ देता है इसलिए। तो चलो मेरी मम्मा कटिंग कर दीजिए आप। हाँ, बैठ जाइए। लेकिन मैं ज्यादा कटिंग नहीं कराता, वो साइड जो होती है ना उनको ही सेट कराता हूँ क्योंकि मैं अपने बालों को थोड़ा सा बड़ा चश्मा लगा लूंगी। ऊपर भी छोटे कराना पड़ेगा मेरे लिए। मैं नहीं, ऊपर के बिल्कुल नहीं करना। अरे बहुत बड़े हैं। ओनली साइड। मैं शाहरुख खान कैसे लगूंगा फिर? मैं शाहरुख खान कैसे लग जाओ? तुम्हारी सी लगाओ। अच्छे करके करना कटिंग? नहीं, बुरे करके करूंगी। कटवाना हो तो कटवा, वरना नहीं देखो। मांग टेढ़ी मत कर देना, सीधे रख, बोला मत कर ज्यादा। गाइस, मेरी कटिंग हो चुकी है, कलर भी लगा दिया मम्मा ने। बस ऐसे ही सेट होते हैं मेरे बाल कलर लगाने के बाद, वॉश करने के बाद देखना कितने स्टाइलिश लगेंगे। कैंची कहाँ रख दी स्टाइलिश करने के लिए? कैंची पता नहीं कहाँ। गाइस, अब मम्मा पापा के कलर लगा रही हैं और कुछ नहीं कर रही, बस अभी कलर ही लगा रही हैं। तो गाइस, मम्मा चावल बीनना स्टार्ट कर रही हैं। आज भूख लग रही है काफी जल्दी, सीधा खाना तैयार हो रहा है, नाश्ता कर लिया थोड़ा बहुत, फिर आराम से नहाएंगे धोएंगे। आज जुमे का दिन है, म्यूजिक अच्छा बजाती है मम्मा। भैया कड़क वाले म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है, म्यूजिक वाला बचपने से ये देखता जब पटकती है तो म्यूजिक आता है। किसी गाने में यूज हो सकता है म्यूजिक। जब गाना बनाए ना तो ऐसे ही करवाना। मेरे गाने का बैकग्राउंड म्यूजिक यही होगा। यही म्यूजिक बना रहा हूँ, ओरिजिनल है अपना है। अब ये बीन रही हैं चावल मम्मा। यस यस, चावल बीनिंग। हूँ बीन के सीधे कुकर में जाएंगे। कुकर में से पेट में जाएंगे, पेट में चले जाएंगे, पेट में से टॉयलेट में चले जाएंगे। ये कट रहा है आलू। एक ही आलू डालोगी मम्मा? एक आलू काफी है। जो डबल रखे पड़े हैं ये। मेहनत कर रही हूँ कपड़े धो रही हूँ मेहनत। तो गाइस, मम्मा जालों को हटा रही हैं क्योंकि जुली से मोहम्मद ही है ना, तो थोड़ा बहुत साफ कर रही हैं घर को। वैसे हमारा घर साफ ही रहता है लगभग। हाँ, बहुत साफ रहता है, साफ ही लगता है। हाँ, हर वक्त साफ तो करती रहती हो, और लोग तो सालों बाद सफाई करते हैं, आप हफ्ते में सफाई करती रहती हो तो क्या होगा फिर? लगता है। देख लो गाइस, अभी झाड़ू नहीं लगी है यहाँ पर, तो ना तो कुछ दिख रहा होगा आपको, नहीं कुछ दिख रहा है, एकदम साफ है, है। मैं तो जमीन पे लोट लू इतना साफ है। दस्तरखान लग चुका है, प्लेट रखी हुई है खाली खाली। मम्मा ला चुकी है हमारी तायरी। ये रही तायरी, अब कुकर खुलेगा, सब में बटेगा, सब में बटेगा। खुल गया है कुकर, आ गया है मजा। ऐसे ही मजा आता है खाते टाइम। काम बहुत है आज। पतली पतली बनाइए। हाँ, पतली बनाइए, बह रही है। बह नहीं है खाते पे। ये हमारी तायरी है, ये पापा की, ये मम्मा की। खाना स्टार्ट कर ले मम्मा, तो बोल दो। क्या बोलूं? मिलते हैं खाना खाने के बाद। तो गाइस, खाना हमने खा लिया है, अब जुमे का टाइम हो चुका है। कितने बज रहे हैं? 12 बजने वाले हैं। तो मुझे अब नहाना है, जो सर में कलर लगा हुआ है तो वो भी धुल जाएगा, नहा लेंगे। और मम्मा जो है वो सफाई कर रही हैं, मतलब काम में लगी हुई हैं अभी, तो मम्मा बाद में नहाएंगी, मैं नहा लेता हूँ पहले, ठीक है? तो गाइज, मैं नहा लिया हूँ, एकदम ताजा ताजा नहाकर आया हूँ अभी। लेकिन मम्मा के अब तक काम कंप्लीट ही नहीं हो पाए। कब करोगे? जब मैं निकल जाएगा तब खत्म होएगा आपका काम। सफाई वफाई कर लूं जरा, आप लोग जाएंगे नहाने? मैं मम्मा तेरे नाम लग रहा हूँ आज। आप लोग नमाज पढ़ने जाएंगे? तेरे नाम जैसे ही तो लग रहा है। मेरे नाम
मतलब अपने ही नाम है। तो गाइज अब जुमे का टाइम हो चुका है, मैं टोपी पहन रहा हूँ और नमाज पढ़ने के लिए निकल रहा हूँ, लेकिन मम्मा का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ, ये जुमे बाद इनका काम खत्म होगा। ये पहन लेते हैं हम चश्मा, लगा लेते हैं टोपी। ठीक है मम्मा, निकल जाते हैं हम। ठीक है ओके, अल्लाह हाफिज़। चलो निकलता है। आज सड़कें गीली गीली हैं, बरसात चल रही है, बरसात चल रही है। जुमे की नमाज पढ़ने के बाद हमारे साथ हसन राजा, मेरा दोस्त जिसका जिक्र मैंने करा था, क्या नाम है तेरा बता दी मैं। बादशाह चुपक्का बैठता है यार। ये निकल चुकी है फैंटा, और ये नया आइटम आया पंगा। पंगा मत ले लेना किसी से, पंगा मोल लिया जाता है। हाँ ये पंगा मोल ही लेना पड़ा। जालर लेने चलना है, ठीक है चलेगा साथ मेरे मार्केट। शर्मा मत कर, बारिश तो रुक जाए। आज सच्चा मुसलमान लग रहा है देखने में है। तो यहाँ पर रखे हुए हैं झंडे काफी सारे, देखें जरा। ओफो ब्लैक कुर्ते ब्लैक टोपी, ये ब्लैक वाली दे एक सेकंड। अभी रुक जा, दिखा के ए चिमटे वापस आ जल्दी ला मुझे। दे ब्लैक, ऐसे में ब्लैक हो सब पता। देख अब मेरे अगर सिर के हिसाब की निकली तो मजा आ जाएगा। अरे यार एक तो हमारा सिर बड़ा है यार, यहाँ आती और नहीं ढोके साइज ना आएगा मेरे को अपन है। वाह कब्बाली पढ़ दूँ एक देख ले। हाँ इसने एक टोपी ले ली है, गरीब इंसान ने ला। छोटी है यार टोपियाँ, बड़ी है। अरे इससे बड़ा साइज ना है मेरा, सर बड़ा आएगा 56 आएगा तेरे को। 56 है ये सही आ रहा है, मगर और कोई भी करना है। 56 ही नंबर है ना ये मेरे, ये सही आया देखना, लेकिन मतलब कलर नहीं मिल रहा थे। 55 चलो हमको टोपी मिल नहीं पाई क्योंकि हमारे पास कैश नहीं था, और हम यूज करते हैं ऑनलाइन पेमेंट। वाह नाइस गजब। और हैरियत, अरे भैया बरसात हो रही है, तूने सजा दिया अपना घर। अपन चलता है फिर है, अरे जाऊं चला जाऊं। अस्सलाम वालेकुम, बुलाने जा रहे। बारिश हो रही है इतनी तेज तो हम रुके भी रहे। अली नवाज नहीं ये अरवा ये कहती नहीं। तो गाइस हमारे पापा आ चुके हैं सामान लेकर। गाइस यहाँ पर हमारा थोड़ा सामान आ चुका है, ये मखाने हैं। मम्मा अभी फ्राई कर देना इसको, है ना इसको। मम्मा आ जाओ, समोसे खोल रहे हैं समोसे। तो गाइस ये रहे हमारे समोसे। मम्मा जल्दी आ जाओ, खुशबू बहुत जोरों तोरों पे आ रही है जी। खुशबू आ रही है बहुत तेज। कटोरी लाओ, चटनी चटनी क्या है, कटोरी सब चीज है, जल्दी आ जाओ। खुशबू आ रही है, खुशबू खुशबू मोटू पतलू जैसी। हाँ आ जाओ बाबा पतलू। तो अब समोसे खाने के बाद मिलते हैं, ठीक है मम्मा। ठीक है बेटा। तो गाइज हमने समोसे तो यहाँ पर खा लिए हैं, अब कुछ मीठे का मन चल रहा है तो चाय रेडी हुई है। गाइज यहाँ पर आ चुकी है हमारी चाय, 3 कप, मम्मा पापा और मेरा। तो गाइज खाना पीना ये करके अब असर की अजान होगी, जब तक अब मैं नमाज पढ़ने के लिए निकल रहा हूँ। तो गाइज सब कुछ खाने पीने के बाद, सारे बर्तन खाली करने के बाद बैठी हुई है ये मेरी मम्मा। और के खड़ी हो जाऊं। जा रहा हूँ फिर मैं नमाज पढ़ने, ठीक है नमाज पढ़ के मिलता हूँ एक सीधा। तो गाइज मैं नमाज पढ़ के आ चुका हूँ सर की। अब क्या है कि मेरा मन चलता है कुछ कुरकुरा कुरकुरा खाने को। हाँ। तो मैंने ताल मखाने मंगाए, अब सेक दो बस जल्दी से। चल हट, बस तो यही बात है। ठीक है फ्राई कर दो ने मस्त, और डिब्बे में पैक करके रख देना, खाता रहूंगा ऊपर अपने कमरे में बैठ के। 2 किलो के ला दू, कितनी बड़ी लू बराबर। पाप ही क्या ये वाली। बैठ बैठ फूल वाली।
जिन ले जाओ बदले हो। अरे जी ना कहिए यार, ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है। तो गाइस ये हैं हमारे मखान हैं, इतने छोटे छोटे से, अच्छे खासे बड़े तो हैं। कहीं नहीं, ये तलने के बाद ऐसे हो जाएंगे और इतने जीरो। फिर क्या होगा, फिर मुंह में जाने बाद और जीरो हो जाएंगे। अब बड़े बड़े पिचक जाते हैं, तो ऐसा लगता है काके स्पंज। तो ये देख सकते हैं ताल मखाने डाल दिए हैं मम्मा ने ताल के अंदर, इनका साइज छोटा कर दिया मम्मा ने। इन मखानों में ऊपर से कुछ डालोगी, नमक मिर्च डालोगी? काली मिर्च और नमक डालूंगी केवल। गाइस ये तल चुके हैं यानी कि फ्राई हो चुके हैं, अब ये नमक अलग को क्यों रख दिया? अलग लगा लगा खा, नहीं सब में डालो, सब में नहीं लगा लगा खाना, एक एक करके। और ये क्या चीज है, सीमेंट बदरपुर सीमेंट इवेंट को डाल ली, इतना मजबूत टिकाऊ खाना नहीं खाना है। ऐसा है ना, मखाने महंगे होते हैं तो उन्हें पेट में जमा देना है आपको, निकलेंगे नहीं। तो मम्मा ने मिला दिया मसाला, वाह। अब एक खा कर देखो गाइस, एक ट्राई करके देखते हैं। नमक मिर्च कैसा है? सच्ची सही लग रहा है, हमारा तो बुरा लगे, देख लो बाबा खा के। नमक मिर्च नमक मिर्च सही है, अमेजिंग वाला हिस्सा हटा दिया। अब सीधा लेके आएंगे हमारे कमरे में, आ जाओ पधारो पधारो। बच्चे का डब्बे में रख देना, ठीक है यहाँ पे रख दो। लीजिए, काफी अच्छा टेस्ट है, मजे आ गए। तो गाइस इस वीडियो को करते हैं यहीं से एंड, और कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस कल की वीडियो में हम दिखाने वाले हैं हमारा शहर, क्योंकि आज सज रहा है और कल उसकी लाइटिंग ऑन होगी, तो कल देखने को मिलेगा कि हमारा शहर कैसा सजता है जुलूस ए मोहम्मदी पर। तो वो इंतजार करना, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।